मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारे मोटे अनाज की डिश थी साथियों, ये जो प्रयास चल रहे हैं इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के उन छोटे किसानों को भी हो रहा है जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते हैं। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी, यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगा कर जीते थे। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है, इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर्स छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं इनसे बारा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ होगा। इलाज के लिए अब लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे, गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। अब ये नहीं होगा कि अंग्रेजी न जानने की वजह से किसी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक जाए। और ये भी मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, दशकों तक हमारे गांव और गरीब इसलिए भी पीछे रह गए क्योंकि गांवों में पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे सपने तो देखते थे लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं होता। हमने शिक्षा के लिए बजट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया,
संसाधनों को बढ़ाया, एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी युवाओं को मिला है। साथियों, सफलता तभी बड़ी होती है जब सपने बड़े होते हैं। राजस्थान तो देश का वो राज्य है जिसके वैभव ने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। हमें उस विरासत को संरक्षित करना है और राजस्थान को आधुनिक विकास की ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। इसलिए राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यह हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में ही दो हाइट। किसान भाइयों, पूरे भारत में किसान सम्मान दिवस बनाया जा रहा है, आपको यहाँ पता होगा, पूरे भारत में। और ये जो दिवस है, ये आपको मैं डेट बता दूँ, 23/12/2023 से जो है वो हर जगह यानी पूरे भारत में जो है वो यहाँ पर दिवस मनाया जा रहा है। और जिसमें साफ साफ जो योजनाएं हैं यानी जो पीएम की योजना है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है, और यहाँ पर साथ ही और कुछ भी बताया जा रहा है, और यहाँ पर 16वीं किस्त को लेकर भी अपडेट आया है। मैं आज आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि किसान सम्मान दिवस में क्या क्या आयोजन किया जाएगा और किस किस योजनाओं का, यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएँ जो हैं उनका भी यहाँ पर विखंडन किया गया है, और जिससे किसानों के लिए इसका सीधा बेनिफिट जो है वो किसानों को देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट भी आ गए हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, मैं अभी यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के धमोरा में जो कृषि विभाग है वहाँ पे आया हुआ हूँ, और वहीं पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर्स जो है जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो मेला है वो भी लगाया गया है। और यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान भाइयों को प्रॉब्लम है तो उसका भी यहाँ पर समाधान किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं वो निकल कर आ रही हैं किसानों के लिए, तो वो भी हम आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त हो, या फिर आप किसी भी यंत्र का यहाँ पर वितरण करना चाहते हैं या मतलब खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर सब्सिडी से लेके काफ़ी बड़े बड़े अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर साफ साफ जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये आपको यहाँ पर इन योजनाओं के बारे में बताएंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर जो किस्त का पैसा है यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त यहाँ पर जारी होने वाली है, तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि ये पैसा आपको कब तक आपके बैंक खाते में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे भारत में जो है वो किसान सम्मान जो दिवस है वो मनाया जा रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में और जो स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब में जो है वो शुरू हो गया है, और 23/12/2023 से शुरू हुआ है और ये 24 तक चलेगा, जिससे किसानों को यहाँ पर सीधा बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और हम आपको यहाँ पर बता दें, आप यहाँ पर सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे किसानों की जो भीड़ है वो लगी। बहुत स्वागत है और आपके लिए गुड न्यूज यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि किसान भाई जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो उस इंतजार को भी मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कि किसानों को जो है यहाँ पर 6,000 रुपए यानी जो 33,000 रुपए है उनका सर्टिफिकेट भी बहुत सारे किसानों को मिलना शुरू भी हो गया है। आज मैं आपको सब कुछ यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है यानी जो 16वीं किस्त यहाँ पर आने वाली है और उसके जो 2,000 रुपए है या फिर 4,000 रुपए आएंगे उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वैसे तो हर ग्राम में जो है वो कैंप लगाया जा रहा है, और जो हमारे अतिथिगण हैं और जो हमारे साहब लोग हैं यानी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी आपको वहाँ पे समाधान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि काफ़ी सारे किसान भाई हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लमें देखने को मिल रही हैं, जैसे उनकी लैंड शीडिंग नहीं हुई है, आधार शीडिंग भी नहीं है और EKYC भी नहीं है। तो इन EKYC, आधार शीडिंग और लैंड शीडिंग, इन तीनों को आपको सही करना पड़ेगा जिससे आपको यहाँ पर किस्त का पैसा मिल सके। और
जो अधिकारी हैं वो आपको ग्रामों में जाकर जाकर जो है वो कैंप भी लगा रहे हैं और एक अच्छा सा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जहां पे आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आपको अपनी बैंक की कॉपी लेके जानी है, खतौनी लेके जानी है, ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके जाकर आप अपडेट करवाइएगा और आपको इस योजना का लाभ जो है वो 100% मिलेगा। यानी 2024 में जो किस्त रिलीज होगी तो यहाँ पे सभी किसान भाइयों को जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसका पैसा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको सब कुछ यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार के होंगे। काफी सारे किसान भाइयों को जो है वो सर्टिफिकेट जो है आमंत्रित किया जा रहा है, किसानों को दिया जा रहा है, जिसमें पूरा पूरा 30,000 रुपए का जो अनुदान है वो किसानों को यहाँ पर दिया जा रहा है। सब कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, 16वें इंस्टॉलमेंट से लेके जो भी है सारा कुछ ए टू जेड आज आपको हम यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। और आप को जो है अधिकारी जो हमारे आएंगे आज आपको हम उनको भी मिलवाएंगे और जिससे आपको लाइव प्रूफ के साथ में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लाइव के साथ में जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो आपको सब कुछ ए टू जेड जानकारियां भी यहाँ पर देंगे और जिससे किसानों को जो है वो सीधा बेनिफिट जो है वो बैंकों में देखने को मिल सकता है। तो हम आपको सब कुछ यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे मोबाइल ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमने जो पहले प्रोग्राम किए हैं तो उसके भी कुछ फोटोज है वो मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे किसान भाइयों को जो है वो यहां पर सर्टिफिकेट जो है वो आमंत्रण किए गए हैं और सर्टिफिकेट जिसमें काफी सारे सर्टिफिकेट हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं और जिसमें उनका किसान का नाम रहेगा। और इसका अभियान मैं पहले आपको बता दूं उसके बाद ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 15 नवंबर 2023 से जो अभियान चल रहा है वो 26 जनवरी 2024 तक चलेगा। और यहां पर बता दें विकसित किसान विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आयोजन किया गया है, इस उपलब्ध में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसके अंतर्गत प्रमाण पत्र जो है वो किसानों को दिए जा रहे हैं, जिसमें किसान का नाम होगा, किसान के हस्बैंड या फिर जो लेडीज हैं अगर उनको लाभ मिल रहा है तो उनके पति का नाम होगा, और उसके बाद में किस ग्राम से हैं आप उस ग्राम का भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और विकास खंड क्या है आपका, और यहाँ पर कितनी किस्त का पैसा मिला हुआ है, अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे किस्तें मेंशन करी जाएंगी और उसका पैसा भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो काफी बड़े बड़े अपडेट जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और सीधे किसानों को जो है यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। और सीधा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या अब आने वाली नहीं है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको अब की बार जो है सभी किस्तों का पैसा आपके बैंक खाते में जो है वो ट्रांसफर होगा और जिसके माध्यम से आपको ए टू जेड यानी एक किस्त से लेके 16 किस्त तक का जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ में हम आपको यहाँ पर बता दें किसान भाइयों, अगर आप कोई यंत्र यहाँ पर यंत्र के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूपी और रामपुर से हैं तो यहाँ पर भी कूपन दिए जा रहे हैं और जिसमें साफ साफ बताया गया है यहाँ पर जितने भी कूपन हैं और जिन जिन राज्यों में जो कूपन है वो ओपन किए जा रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा का महत्व है, अगर आप सौर ऊर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट है और यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 60% तक की जो है वो सब्सिडी भी आपको यहां पर दी जाएगी। अगर आप उसको बुक करना चाहते हैं तो अगर आप यूपी से हैं और यूपी में रामपुर मुरादाबाद जो मंडल है वहां से अगर आप आते हैं तो आप 19 तारीख को कर सकते हैं, वैसे तो आज भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो काफी सारी जो मंडल है वहां पे आज जो है इसका आयोजन किया जा रहा है और जिससे आप यहाँ पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आपसे ऑनलाइन बुक नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी यहाँ पर हेल्प भी करूंगा और उन यंत्रों का आपको बेनिफिट भी मिलेगा जिसमें आपको 60% का अनुदान दिया जाएगा, पूरा पूरा 60%। यानी आप सपोज कीजिएगा अगर कोई भी चीज 100 रुपए की है तो 60 रुपए का अनुदान हटा के आपको 40 रुपए में वो जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है उसका पैसा कब मिलेगा। काफी सारे किसान भाई कमेंट्स करेंगे कि सर इसकी डेट क्या है, कैसे हम बुक करेंगे, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप यंत्र बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको अपना प्ले स्टोर यानी सॉरी गूगल है उसको आपको ओपन करना है। मैं आपको ये जो है साइड में दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहां पे आपको लिखना है यूपी, यूपी लिखेंगे और एग्रीकल्चर्स आपको यहां पर लिखना है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे फ्रंट पे ही एक वेबसाइट आ जाएगी और वेबसाइट आने के बाद
यहाँ पर आपको यूपी एग्रीकल्चर पे ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हम सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर पंप की बुकिंग 16 जनवरी 2024 से जो है वो पूर्व हो गई है, यानी 12 बजे से स्टार्ट हो गई है और हर मंडल में ये बुकिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आपको इसी पे क्लिक कर देना है, इसके नीचे लिखा हुआ है सोलर पंप यंत्र बुकिंग करने के लिए टोकन जनरेट करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कमाल का जो होगा। और यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा यानी किसान का पंजीकरण अगर वो नहीं होता है तो आपको इस योजना का लाभ या फिर यहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा। जो कि आधार की जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आईडी अलग होता है और जो किसान पंजीकरण होता है वो अलग होता है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं यहां से ही आप निकाल सकते हैं। जो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा था कि जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, जैसे आप नीचे की ओर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा किसान पंजीकरण जाने, ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना पंजीकरण यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद आप यहाँ पर अपना पंजीकरण निकाल सकते हैं, जो कि मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं, पंजीकरण से निकाल सकते हैं, अस्थायी पंजीकरण से निकाल सकते हैं या किसान खाता है उससे भी आप यहाँ पर पंजीकरण निकाल सकते हैं। ये पंजीकरण आपको निकालना पड़ेगा तभी आप जो है वो सोलर पंप को आप यहाँ पर जो है वो अपडेट यानी जो बुकिंग है टोकिंग है वो आपको यहाँ पर मिल सकेगा। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, विस्तार में अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप इसको बुक कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं 16वीं इंस्टॉलमेंट की। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं 26 जनवरी तक तो कोई पैसा आपको मिलने वाला है नहीं, जिन किसान भाइयों का पैसा रुका हुआ है उनकी किस्तें यहां पर आ रही है। बाकायदा अगर 16वीं इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 16वीं इंस्टॉलमेंट पे लेके अभी कोई भी अपडेट यहां पर नहीं दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट अगर आप यहां पर जानना चाहते हैं और आपको मिले पैसा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि किसान भाइयों 16वीं इंस्टॉलमेंट को लेके अभी तक सरकार की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया है जिसमें लिखा गया हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त इस तारीख को मिलेगी या इस तारीख को मिलेगी। जैसे ही यहाँ पे अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकें।